हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है, तो टुडेज माय रेसिपी इज़ स्पेशली फॉर द किड्स, बिकॉज़ ये जो आज की मेरी रेसिपी है ये है सूफले पैनकेक। ये बहुत ही टेस्टी होता है, स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 eggs लिए हैं। यहाँ पे एग वाइट मैंने एक पॉट में इसका कलेक्ट करना है, और जो एग योक है वो दूसरे पॉट में कलेक्ट करना है। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा एग वाइट है मैंने एक पॉट में ले लिया है, और ये एग योक है ये मैंने दूसरे पॉट में ले लिया है। तो एग वाइट को मैं एक साइड में रख दूँगी, एंड एग योक में मैंने ऐड करना है 3 tablespoons ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, एंड 1 teaspoon यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, एंड यहाँ पे 2 tablespoons में हमने यहाँ पे ऐड किया है मिल्क, एंड देन 1 teaspoon यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको अच्छे से विस्क कर लेना है कि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। सो यू कैन सी देयर इज़ नॉट अ सिंगल लम्प। ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का हो गया है। आपको इसे फ्रेंड्स 1 से 2 minutes के लिए हाई स्पीड ही हैंड से इसको विस्क करना है। तो हमारा यहाँ पे एग योक का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए एग वाइट की तरफ चलते हैं। ये मैंने एग वाइट ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 teaspoon इसमें लेमन जूस स्क्वीज़ करना है, क्योंकि अगर आप लेमन जूस स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो, या फिर आप विनेगर भी ले सकते हैं, तो इससे जो आपका ये फ्लफ़ी बैटर नहीं रेडी होगा, क्रीमी टेक्स्चर इसका नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब आपको एक बीटर की हेल्प से, इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हाई स्पीड पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको विस्क करना है। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट्स के लिए याद रखिएगा, इसको हाई स्पीड पे आपको विस्क करते रहना है जब तक कि इसमें फ्लफीनेस फॉर्म ना हो जाए, जब तक कि इसमें आपको स्टिफ बीट्स नहीं दिखते हैं आप इसको विस्क करते रहिएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में फ्रेंड्स आपको 3 से 4 मिनट्स लगेंगे। तो आपको 3 से 4 मिनट्स के लिए इसको हाई स्पीड पे इसको विस्क करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्लफीनेस आप देख सकते हैं, स्टिफ बीट्स स्टार्ट होना फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे विस्क करते हुए मुझे 4 मिनट्स हो चुके हैं। अब आपको इसमें 1/4 cup आपको पाउडर्ड शुगर ऐड करना है।
यह ऐड करने के बाद आपको अगेन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा देर आपको नहीं करना है, बस कुछ सेकेंड्स, 10 to 15 seconds ही करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा फ्लफ़ी बैटर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं एग योक की साइड। तो इस बैटर को हमें ग्रेजुअली एग योक में ऐड करके मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिक्स करना है इसको, बिकॉज़ ऐसा करने से, बहुत ज़्यादा मिक्स करने से इसकी फ्लफ़नेस जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको एक पैन लेना है और उसको बटर से ग्रीस कर लेना है। उसका आपको सेंटर ही ग्रीस करना है, पूरा पैन आपको नहीं करना है। तो अब आपको जो आपका बैटर है वो आपको इस तरह से इसमें स्प्रेड करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान रहे कि इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं ये स्प्रेड होना चाहिए। तो अब आप इसको कवर करके 2 to 3 minutes के लिए बहुत ही ज़्यादा, आई मीन लो फ्लेम पे इसको आप छोड़ दीजिए। और आफ्टर 2 to 3 minutes अब मैं इसको देखूँगी ये कुक हो गया है या नहीं। तो इसका यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फ्लिप करने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्पैचुला की हेल्प से इसको देखिए ये फ्लिप कर रही हूँ, और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। तो सेम एज़ हमें इसका दूसरा साइड भी बेक करना है। तो आप थोड़ा सा इसमें, ज़रा सा बिल्कुल इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। वाटर जो है आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका पैनकेक है वो सॉगी हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस से हमें इसको भी बेक करना है। तो आफ्टर 2 मिनट्स देखिए ये हमारा जो सूफले पैनकेक है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब आप इसको बटर से ग्रीस कर लीजिए, अच्छे से बटर लगाइएगा इसमें आप। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है, जो ये पैनकेक है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो एक बार अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ज़रूर दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगा। अब आप इसके ऊपर मैपल सिरप, हनी या जो भी आपको पसंद हो वाला सिरप आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पैनकेक रेडी हो गया है, इसको आप ज़रूर ट्राई